नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में जानेंगे मल्टीमीटर के बारे में। मल्टीमीटर को हम यूज कैसे कर सकते हैं, क्या क्या चीजें इससे मेजर कर सकते हैं, साथ ही साथ हम रेजिस्टर के वैल्यू को चेक करके एलईडी ग्लो करेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो ये हमारा मल्टीमीटर है दोस्तों। इस मल्टीमीटर को सबसे पहले हम इस केबल के थ्रू कनेक्ट करेंगे। इस केबल को हम प्रोब कहते हैं। ये रेड और ब्लैक कलर में आता है। इसकी पहले की वीडियो में मैंने जैसे आपको बताया है कि पावर सप्लाई के डिफरेंट डिफरेंट नाम होते हैं, ठीक उसी प्रकार रेड कलर का जो केबल है वो पॉजिटिव वोल्टेज को दर्शाता है, पॉजिटिव कनेक्शन को दर्शाता है, और जो ब्लैक वाला प्रोब है वो नेगेटिव को दर्शाता है। तो सबसे पहले हम ब्लैक केबल को देखते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कॉम, इसका मतलब होता है कॉमन, कॉमन या नेगेटिव, आप जो भी समझ सकते हैं दोस्तों इसको। तो या फिर जीरो वोल्ट या फिर लो वोल्टेज, डिफरेंट डिफरेंट नाम जैसे कि मैंने आपको पहले की वीडियो में बताए हैं। तो ब्लैक केबल को हम कॉम में कनेक्ट करेंगे। उसके बाद बचे हमारे पास दो होल्स। तो दोस्तों एक तरफ 10 एम्पियर लिखा हुआ है और एक तरफ मिली एम्पियर वोल्ट ओम। तो दोस्तों हम इन दोनों होल्स में से अब किस में से रेड को कनेक्ट करें। दोस्तों अगर आपके पास कोई ऐसा इक्विपमेंट है जो ज़्यादा करंट यूज़ करता है, जिसमें ज़्यादा करंट की सप्लाई होती है, तो उस केस में हम यहाँ 10 एम्पियर का जो होल है उसका हम यूज़ करेंगे रेड कलर प्रोब को कनेक्ट करने के लिए। अदरवाइज दोस्तों हम जो साइड वाला प्रोब है हम उसका यूज़ करेंगे। जब हमें लो करंट को मेजर करना हो तो हम राइट वाले प्रोब को यूज़ करेंगे। मोस्टली जितने भी इक्विपमेंट्स हम यूज़ करने वाले डीसी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, तो वो सारे को हम राइट में लगा कर ही यूज़ करेंगे। तो रेड वाले को हमें कॉर्नर राइट पे यूज़ करना है और जो ब्लैक वाला है वो हमेशा कॉमन पे रहेगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम चेक करेंगे इस मल्टीमीटर से अपने घर की पावर सप्लाई। तो आपको पता है कि घर की पावर सप्लाई आपको 240 वोल्ट या फिर 230 वोल्ट के बीच में वो वेरी करता है। तो इसमें आप देख सकते हैं इस पिन को हमें सेट करना होगा यहाँ पे। यहाँ पे अगर आप गौर से देखें तो यहाँ लिखा है V, उसके बाद एक उल्टा S टाइप से एक डिज़ाइन बना हुआ है। इसका मतलब, इस सिंबल का मतलब दोस्तों होता है AC वोल्टेज। तो हमें अगर AC वोल्टेज चेक करना है तो अपने इस पॉइंटर को AC वोल्टेज के साइड में रखना पड़ेगा। तो ये 200 और 600 तक के वोल्टेज को मेजर कर सकता है। तो अप टू मतलब कि 200 वोल्ट तक या फिर 600 वोल्ट तक, यहाँ पे दो वैल्यू दी हुई है। तो हमको पिन अपना पॉइंटर किस में रखना है। तो दोस्तों हमेशा इसको आप जो भी एक्सपेक्टेड आपका वोल्टेज है जिसको आप चेक करने वाले हैं, मान के चलिए आप 10 वोल्ट किसी चीज़ का चेक करने वाले हैं, तो हमेशा 10 वोल्ट से ज़्यादा में ही अपने पॉइंटर को सेट करें। तो राइट नाउ हम लोग को पता है कि घर में जो है पावर सप्लाई वो 240 वोल्ट 230 वोल्ट तक की सप्लाई आती है। तो हम इसको 200 में नहीं सेट करेंगे, हम इसको 600 वोल्ट में सेट करेंगे। तो आइए देखते हैं 600 वोल्ट में सेट करके कि आपके घर में कितनी वोल्टेज की सप्लाई आती है। तो मैंने इसे अपने घर के पावर सप्लाई सॉकेट में लगाया है। दोस्तों आप देख सकते हैं घर में वोल्टेज कितना ज़्यादा वैरी कर रहा है। 250 वोल्ट AC सप्लाई मेरे घर में भी राइट नाउ आ रही है। तो दोस्तों आप कई बार सुनते होंगे स्टेबलाइजर हमें लगाना पड़ता है क्यों घरों में, फ्रिज में या फिर कुछ डिवाइसेस में, क्योंकि घर में जो पावर सप्लाई होती है वो स्टेबल नहीं होती है और कुछ चीज़ें इतनी सेंसिटिव होती हैं कि उन्हें ज़्यादा वोल्टेज मतलब वो कैपेसिटी नहीं ले सकते, तो इसलिए हमें स्टेबलाइजर का भी यूज़ करना पड़ता है। तो आप देख सकते हैं कि 240 वोल्ट मैंने बताया था कि घरों में सप्लाई होता है, लेकिन यहाँ पे 252 वोल्ट AC सप्लाई हो रही है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप घर के AC वोल्टेज को चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो है DC वोल्टेज। दूसरा सिंबल आप देख रहे होंगे यहाँ एक V लिखा हुआ है, उसके बाद एक प्लेन लाइन है, उसके नीचे डॉट 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 है। इसका मतलब होता है दोस्तों DC वोल्टेज। आप जब भी किसी DC वोल्टेज DC बैटरी को चेक करते हैं तो आपको इन सारे पॉइंट्स में से किसी में भी लगा के चेक करना होता है। मेरे पास ये 9 वोल्ट की बैटरी है। अब इस 9 वोल्ट की बैटरी में इसके अंदर में कितना वोल्टेज बचा है उसे मेजर करने के लिए हमें अपने पॉइंटर को 20 में डायरेक्ट करना होगा। हमने इस पॉइंटर को 20 में क्यों डायरेक्ट किया है, क्योंकि मैंने जैसा आपको बताया दोस्तों इसमें इसके पहले जो वैल्यू है वो 200 मिली वोल्ट जो कि काफ़ी कम होता है, उसके बाद 2 वोल्ट, उसके बाद 20 वोल्ट, फिर 200 वोल्ट और 600 वोल्ट, इसमें
600 वोल्ट तक की पावर सप्लाई आप चेक कर सकते हैं, वोल्टेज चेक कर सकते हैं। तो अभी हम जानते हैं कि 9 वोल्ट की पावर सप्लाई है, तो हम हमेशा 9 वोल्ट से ज़्यादा ही के वैल्यू में अपने पॉइंटर को सेट करेंगे। तो हमारे पास राइट नाउ 20 वोल्ट का जो है यहाँ पे एक डिजिट बना हुआ है, तो हम वहाँ पे अपना पॉइंटर सेट करेंगे। तो चलिए देखते हैं इस बैटरी में कितना वोल्ट बचा है। तो मैं अपने रेड वाले प्रोब को पॉजिटिव में और ब्लैक वाले प्रोब को नेगेटिव में, इस बैटरी में आप देख सकते हैं यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों लिखा हुआ है। तो आप पॉजिटिव को पॉजिटिव में, रेड वाले को पॉजिटिव में और ब्लैक वाले को नेगेटिव में टच करेंगे। तो आप देख सकते हैं इस बैटरी में 8.65 वोल्ट की वोल्टेज है। तो आप देख सकते हैं इस बैटरी में 8.65 वोल्ट इसमें बचा है। दोस्तों, हमने जब घर की पावर सप्लाई को चेक किया, तब हमने किसी भी दिशा का, किसी भी पोलैरिटी का यूज़ नहीं किया। हमने इस प्रोब को इस तरीके से या फिर पलट करके नहीं लगाया, क्योंकि हम किसी भी जैसा कि मैंने इसके पहले वीडियो में बताया है कि एसी पावर सप्लाई का कोई डायरेक्शन नहीं होता, तो हम इसे किसी भी दिशा में लगा करके चेक कर सकते हैं। और दोस्तों, इस मल्टीमीटर के थ्रू हम जो किसी बैटरी का वोल्टेज भी है, प्लस को माइनस में या फिर माइनस को प्लस में लगा के चेक जरूर कर सकते हैं, लेकिन जब हम नेगेटिव को पॉजिटिव में या फिर पॉजिटिव को नेगेटिव में लगाते हैं, तो जो वोल्टेज वहाँ शो होता है वो नेगेटिव में होता है। वहाँ पे एक नेगेटिव माइनस का साइन बन जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे -8.65, क्योंकि हमने पॉजिटिव को नेगेटिव में और नेगेटिव को पॉजिटिव में। तो ये जो प्रोब है, इसके कलर के मदद से आप किसी भी वोल्टेज का पोलैरिटी जान सकते हैं। अब हम देखेंगे किसी रजिस्टर का वैल्यू हम कैसे चेक कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो रजिस्टर है, इसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि रजिस्टर जो है वो किसी भी करंट के फ्लो को कम या ज़्यादा करता है। आज इस रजिस्टर की वैल्यू को हम चेक करेंगे। रजिस्टर की वैल्यू को चेक करने के लिए दोस्तों दो तरीके हैं। पहला कि ये कि बुक के मेथड से हम जाएं, जिसमें कुछ कलर कोड को हम यहाँ पे कैलकुलेशंस करके उसके वैल्यू को, हम इसका रजिस्टर कितना, रेजिस्टेंस कितना है, वो हम चेक करें। दूसरा, रेजिस्टेंस का मतलब होता है दोस्तों इसकी रोकने की क्षमता, कि ये किसी वोल्टेज को, करंट को कैसे रोक सकता है, कितना रोक सकता है। तो हर रजिस्टर का अपना एक वैल्यू होता है। तो ये जो रजिस्टर है दोस्तों, इसके वैल्यू को हम चेक करने के लिए आज मल्टीमीटर का यूज़ करेंगे। हम उस कलर कोडिंग के मेथड पे नहीं जाएंगे, क्योंकि वो टाइम टेकिंग है। दोस्तों, जिस प्रकार से वजन को नापने के लिए हम ग्राम की इकाई यूज़ करते हैं, टेम्परेचर को नापने के लिए हम सेल्सियस या फ़ारेनहाइट का यूज़ करते हैं, ठीक उसी प्रकार से ओम की भी अपनी एक इकाई होती है, जिसे हम ओम कहते हैं। ओम, अब इस मल्टीमीटर में हम बात करें दोस्तों, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इस प्रकार का जो सिंबल आपको दिख रहा है, इसे हम ओम कहते हैं। तो यहाँ पे भी एक वैल्यू दिया हुआ, निर्धारित है दोस्तों, कि 200 मिली ओम, 2 किलो ओम, 20 किलो ओम, 200 किलो ओम, 2 मेगा ओम, इतने अप टू 2 मेगा ओम, मतलब कि 2 × 10^6, 2 × 10^6 तक की वैल्यू तक को ये, मतलब इतने बड़े वैल्यू तक के रेजिस्टेंस को ये मेजर कर सकता है। तो हमारा जो ये रजिस्टर है दोस्तों, सबसे पहले हम इसे 200 में लगा के देखते हैं। 200 मिली ओम, मतलब कि 0.2 मिली ओम। सबसे पहले हम इसे 200 ओम में लगा के, मिली ओम में लगा के देखते हैं। तो इसमें लगाने से दोस्तों हमें इसकी वैल्यू एक मिली है 147। इसे दोबारा एक 2K में लगा के चेक करते हैं। जिस डब्बे से मैंने दोस्तों इसको निकाला था, वहाँ पे कुछ 150 के अराउंड इसका 150E लिखा हुआ है। इसका मतलब है 150 ओम की वैल्यू तक का इसका, इसमें प्रतिरोध होगा, इसमें रेजिस्टेंस होगा। तो जब मैंने इसको सेट किया है 200 पे, तो मतलब कि इसमें वो वैल्यू चेक कर दिखा रहा है। तो जब मैं इसमें वैल्यू चेक करता हूँ, तो आप देख सकते हैं 147, मतलब कि लगभग जो है
150 ओम के आसपास इसका प्रतिरोध है, इसका रेजिस्टेंस है। तो हमें जो एलईडी को ग्लो करने के लिए चाहिए वो कम से कम 300 ओम की रिक्वायरमेंट है दोस्तों। ये 1 किलो ओम है। आप कम से कम ओम आप जो रखेंगे उसमें एलईडी ज़्यादा से ज़्यादा ग्लो करेगा। तो दोस्तों हमें जो रिक्वायरमेंट है वो कम से कम 350 ओम या फिर इससे ज़्यादा 1 किलो ओम तक का हम इसमें रेजिस्टर यूज़ करेंगे। इसमें देख लेते हैं कि कहाँ पे कई सारे रेजिस्टर, ये 330E लिखा हुआ है दोस्तों। तो हमारे पास ये रजिस्टर एक मिला है दोस्तों जिसका वैल्यू 330E यहाँ पे रिटर्न है। चलिए इसका वैल्यू चेक करते हैं कि क्या ये 330 ओम है भी या नहीं। तो अभी राइट नाउ ये 200 पे सेट है। अगर मैं इसको 200 पे लगा के चेक करूँ तो ये वैल्यू सही दिखाएगा, नहीं दिखाएगा, ये 1 दिखा रहा है दोस्तों। 1 का मतलब है दोस्तों या तो फिर आप इसके पॉइंटर को चेंज करिए। तो इसको हम 2K में सेट करते हैं, 2 किलो ओम में चेक करते हैं कि 2 किलो के नीचे अगर इसका वैल्यू होगा तो वो इसमें शो हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, 0.321, मतलब कि 321 किलो, क्योंकि ये किलो में यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों 2K, तो यहाँ पे पॉइंट में दिखा रहा है। इसका मतलब है कि 321 ओम इसका वैल्यू है। तो 330 इसमें लिखा हुआ था लेकिन 321 के आसपास इसका रेजिस्टेंस आया है। तो इस रेजिस्टर को लगा के दोस्तों हम चेक करते हैं अपने एलईडी में। सबसे पहले इसमें हम एलईडी के पॉजिटिव टर्मिनल में हम इसको अभी इसको हम कनेक्शन दोस्तों कम्प्लीटली रॉ कनेक्शन कर रहे हैं, बहुत ही अनप्रोफेशनल, इसे हम कहेंगे अनप्रोफेशनल कनेक्शन है। तो पहले चेक करते हैं पॉजिटिव को नेगेटिव में लगा के। दोस्तों आप देख सकते हैं एलईडी ग्लो कर रहा है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने रेजिस्टेंस को भी चेक कर लिया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों करंट की ओर। अब मल्टीमीटर से हम करंट कैसे चेक करें। मल्टीमीटर में दोस्तों आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे एक ए लिखा हुआ है। ए का मतलब होता है एम्पियर, करंट का जो मात्रा होती है उसे हम एम्पियर कहते हैं। अब यहाँ पे 200 माइक्रो ओम, सॉरी 200 माइक्रो एम्पियर, 2 मिली एम्पियर, 20 मिली एम्पियर, 200 मिली एम्पियर और 10 एम्पियर। जैसा कि मैंने दोस्तों आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि ये जो रेड वाला प्रोब है इसे आप 10 एम्पियर में नहीं लगाएं, क्योंकि आपको जो भी इक्विपमेंट के करंट चेक करने हैं वो अप टू 200 मिली एम्पियर तक ही चेक करना है। अगर आपको 10 एम्पियर आपको लग रहा है कि आपके पास कोई ऐसा इक्विपमेंट है जिसका आपको वोल्टेज, जिसका आपको करंट चेक करना है जो काफ़ी ज़्यादा हो सकता है, तो आप इसको 10 एम्पियर में इस प्रोब को निकाल के इसमें सेट करेंगे। तो राइट नाउ हम जो करंट चेक करने वाले हैं, हमारी जो एलईडी हमने अभी जस्ट बन की है उस एलईडी को जो करंट कितना सप्लाई हो रहा है वो हम चेक करेंगे। तो अब हम मिनिमम से चालू करेंगे 200 माइक्रो एम्पियर। करंट चेक करने के लिए दोस्तों, वोल्टेज चेक करने के लिए आपने देखा कि मैंने इसे पैरेलली कनेक्ट किया। जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया है पैरेलल कनेक्शन और सीरीज कनेक्शन क्या होता है। तो जब मुझे इस बैटरी की वोल्टेज चेक करनी थी तो मैंने अपने प्रोब को पैरेलली कनेक्ट किया, पर जब मुझे किसी इक्विपमेंट का करंट चेक करना है तो मैं इसे सीरीज में कनेक्ट करूंगा। तो वो कैसे होगा दोस्तों देखते हैं। एक टर्मिनल को मैंने पॉजिटिव में कनेक्ट कर दिया, दूसरे टर्मिनल को मैंने निगेटिव में टच कर दिया, और ये जो ब्लैक वाला प्रोब है इसको मैंने यहाँ पे कर दिया। तो इससे क्या हुआ दोस्तों, आपका जो एलईडी है वो बर्न हो गया, ये जल गया, ये चालू हो गया, लेकिन इसमें जो करंट है वो 200 माइक्रो एम्पियर नहीं शो हुआ, क्योंकि इससे ज़्यादा करंट ये यूज़ कर रहा है। तो हम इसको 2 मिली एम्पियर पे सेट करते हैं। चलिए देखते हैं क्या ये इतना वैल्यू ले रहा है। नहीं, 2 मिली एम्पियर से ज़्यादा करंट ये यूज़ कर रहा है। 20 मिली एम्पियर पे से सेट करते हैं। दोस्तों आपका वैल्यू निकल आया है -19.36 एम्पियर दिखा रहा है। माइनस इसलिए है क्योंकि मैंने पॉजिटिव वाले को जो प्रोब है उसको इधर और रेड वाले को उधर लगा दिया है।
तो आप देख सकते हैं 19.343735 ये वैल्यू इसमें शो कर रहा है, इतना करंट ये यूज कर रहा है अभी राइट नाउ इस एलईडी को जलाने के लिए। हमेशा बड़े से बढ़ते क्रम से आप घटते क्रम में जाइए, ठीक है। फोर्थ और लास्ट जो चीज हम सीखने वाले हैं दोस्तों वो है कंडक्टिविटी टेस्ट, कंटिन्यूटी टेस्ट या फिर कंडक्टिविटी टेस्ट, हम दोनों चीजें से कह सकते हैं। तो कंटिन्यूटी टेस्ट दोस्तों होता क्या है, मान के चलिए आपके पास कोई सर्किट में, कोई कनेक्शन में या फिर कहीं पर भी एक वायर का टुकड़ा है जहां से आपको चेक करना है कि ये कहीं बीच से ब्रेक तो नहीं हुआ। आपने जो इसमें पावर सप्लाई दिया है, मान चलिए आपके घर में कभी बल्ब खराब होता है, आप चेक करते हैं कि भाई यहाँ से तो मैंने सॉकेट में पावर बराबर दे दिया है लेकिन आगे लाइट नहीं जल रही, तो कहीं बीच से कहीं तार जल तो नहीं गया, कहीं टूट तो नहीं गया। तो उस कंडीशन में हम इस कंटिन्यूटी टेस्ट का यूज करते हैं। अगर इस दोनों प्रोब को हम कनेक्ट करते हैं तो जो इसका बजर है वो बजने लगता है। तो इसका मतलब ये है कि ये आपस में जो कंटिन्यूटी टेस्ट, एक कंटिन्यूटी मतलब कि जो इसका सप्लाई है वो कंटिन्यू है कि नहीं वो चेक करने के लिए। तो प्रोब के थ्रू हम इस वायर की कंटिन्यूटी टेस्ट करेंगे। मान चलिए वायर अगर बीच से ब्रेक होगा तो ये बजर नहीं बजेगा, ये बजर बज गया, इसका मतलब दोस्तों ये वायर बिल्कुल ठीक है। किसी मेटल का हम अगर चेक करते हैं तो देखिए कुछ हिस्सा इसका नॉन कंडक्टिव है, और जो हिस्सा कंडक्टिव नहीं है दोस्तों वहां पे बजर नहीं बज रहा है। तो इस प्रकार से आप किसी भी ब्रेक वायर या फिर कोई भी कहीं से कनेक्शन छूटा हो, पीसीबी में कहीं से सोल्डरिंग निकल गई हो या फिर वहां तक पावर नहीं पहुंच रहा हो, तो उस केस में हम इस कंटिन्यूटी टेस्ट का यूज करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों इसमें ई सी बी ई करके एक और टर्मिनल्स भी है जिसमें हम ट्रांजिस्टर के वैल्यूज चेक करते हैं, उसके डायरेक्शन चेक करते हैं। ट्रांजिस्टर के बारे में हम अगली वीडियो में, आने वाली वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो में दोस्तों आपने वोल्टेज, आपने एसी वोल्टेज, डीसी वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस, साथ ही साथ कंटिन्यूटी के मेजरमेंट को सीख लिया है। वीडियो में बताई गई सारी जानकारी दोस्तों आने वाले प्रोजेक्ट्स में हम यूज़ करेंगे। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको समझ में आई हो। वीडियो अगर पसंद आया हो दोस्तों तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।